हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग. आप सभी को मेरा नमस्कार. यस, इज एवरीबॉडी देयर? यस, कौन कौन है यहाँ पर? चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की. आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उनकी एक पूरी सीरीज आपको करवा रही हूँ, और उसका मैं पार्ट वन जो है वो आपके लिए ले रही हूँ. सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, शैल वी बिगिन द क्लास? आप मेरे साथ साथ जो है आंसर्स देने की कोशिश करेंगे. लेट्स बिगिन. अब मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर लगा देती हूँ और आप मेरे साथ आंसर करेंगे. ओके, लेट्स कंटिन्यू. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. शुरुआत करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन चोजन फॉर द 55th ज्ञानपीठ अवार्ड. ओके, ये आपको बताना है कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, 55th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसको मिला है, ये आपको मुझे बताना है. यस, काइंडली शेयर द वीडियो. शुरुआत कीजिए. यहां पर देखो, हु हैज बीन चोजन, किस कौन है जिसको कि आपका 55th ज्ञानपीठ अवार्ड मिल रहा है. ये आपके ऑप्शंस हैं. गिव मी द आंसर. व्हाट्स गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस? फटाफट मुझे बताइए इसके लिए राइट आंसर जो है यहां पर क्या होने वाला है. यहां पर हमारा जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट वाला. ए इज द राइट आंसर. अहिथम अच्युतन नंबूदरी, ये आप याद रखना, ठीक है? इनको 55th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है. ओके, ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये लिटरेरी फील्ड में दिया जाता है. और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपके एग्जाम में कि ये किस भाषा में लिखते हैं, तो आप याद रखना कि ये मलयालम भाषा के राइटर हैं और इनको 55th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है. साथ साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देती हूँ. 54th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसको मिला था? जो 54th ज्ञानपीठ अवार्ड था, बताइए मुझे, 54th ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किसको मिला था? तो जो 54th ज्ञानपीठ अवार्ड है वो मिला था आपका अमिताभ घोष को. अमिताभ घोष जो है उनको 54th ज्ञानपीठ अवार्ड. और वो किस भाषा में लिखते हैं, रिमेंबर दैट एज वेल. ओके, ही इज अ राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज. वो अंग्रेजी भाषा के राइटर है. कौन? अमिताभ घोष, जिनको की मिला था 54th ज्ञानपीठ अवार्ड. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अगले पर चलो. यहां पर आपसे पूछा गया है, विच कंट्री हैज टॉप्ड द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग, ये आपको मुझे बताना है. यस, वेरी गुड. ओके, यहां पर फटाफट आप लोग मुझे बताते जाइए इसका आंसर क्या होने वाला है. विच कंट्री हैज टॉप्ड द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग? ऑप्शंस देखो, क्रोएशिया है, पोर्तुगल है, फ्रांस है और बेल्जियम है. व्हाट शुड बी द आंसर? सब लोग जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए क्विकली एवरीबॉडी. दोस दैट आर ऑनलाइन, आई कैन सी रवि गोयल हियर. ओके, आरती जो है वो आरती गौतम है और पर सुमित दास है. जल्दी से सुमित दास, यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेरी गुड माय फ्रेंड, आई होप यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम. चलो लास्ट में मुझे बताना तुम्हारा स्कोर क्या है. ओके, यस, यहां पर फर्स्ट आंसर आया है मेरे सामने विवेक सिन्हा का, जो कह रहे हैं बेल्जियम. एब्सोल्युटली राइट आंसर. यहां पर हमारा क्या है आंसर? हमारा जो है यहां पर डी, बेल्जियम इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. एब्सोल्युटली राइट, बेल्जियम आपका सही आंसर है. ठीक है जी, बेल्जियम. ओके, बेल्जियम नंबर वन पोजीशन पर है. बेल्जियम के बाद जो है आपके फ्रांस और ब्राजील है. क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, व्हाट इज इंडियाज रैंक? जब भी कोई इंडेक्स है आपका या रैंकिंग वगैरह आती है तो व्हाट इज इंडियाज रैंक? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज इंडियाज रैंक? ओके, इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर 108th पोजीशन पर है. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ केवल एशिया की, तो जो लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स है उसमें इंडिया जो है 18th पोजीशन पर है, ये आप याद रखेंगे. साथ ही साथ आपको एक और मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो फीफा आपका फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप है 2020, फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप 2020 वो कहां पर ऑर्गेनाइज होगा? वो इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा. ओके, और साथ ही साथ हमने यहां पर बेल्जियम की बात की, तो बेल्जियम जो है रिसेंटली वहां पर उनकी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है उस कंट्री को, द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर. व्हाट इज हर नेम? हर नेम इज सोफी विलियम्स, SOPHIEWILMES. ओके, वेरी गुड. अगले क्वेश्चन पर चलिए सब लोग. जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूं सारे का सारा जो है आप उसको पकड़ के रखिए. मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप मैचेस फॉर 2023 विल बी प्लेड इन विच इंडियन स्टेट? जितने भी इंडिया जो है स्पोर्टिंग इवेंट्स में होस्ट वगैरह होगा वो सारे के सारे जो है आपको याद रखने हैं. यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट मुझे बताइए. यस, बिल्कुल सही सियाली, बिल्कुल सही आप कह रहे हो मुझे. सोफी, सोफी इज द राइट आंसर. वेमेन्स, सॉरी, मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप
जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप मैचेस हैं 2023 के लिए, दे विल बी प्लेड इन विच इंडियन स्टेट? ओडिशा, गुजरात, वेस्ट बंगाल और असम। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री का मुझे आंसर करो। क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए यहाँ पर हमारा आंसर जो है इसके लिए, ये ओडिशा में ऑर्गेनाइज होंगे, याद रखना ओडिशा। ओके, ओडिशा स्टेट जो है हमारा वो हॉकी को काफी सपोर्ट करता है। वहां के जो चीफ मिनिस्टर है बीजू पटनायक, वो काफी, वहां के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, वो काफी सपोर्टर है। ओके, और मैं आपको ये बता दूं कि ये मैचेस कब होंगे हमारे, ये 13th to 29th January 2023 में भारत जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए हमारा ए है। अगला क्वेश्चन देखो, इंडिया जापान फॉरेन डिफेंस, ओके, इंडिया जापान फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टीरियल डायलॉग 2+2 हैज बीन रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। यस, ओडिशा। सुमित दास, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। यहां पर शशिकांत का आंसर भी ओडिशा है, एब्सोल्युटली राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इंडिया जापान फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टीरियल डायलॉग 2+2 हैज बीन रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी। ये आपके ऑप्शन है, टोक्यो है, न्यू दिल्ली है, मुंबई है और ओसाका है। दीज आर योर ऑप्शन। सो आई वॉन्ट दिस आंसर फ्रॉम यू। और फटाफट जरा वीडियो को शेयर करें। कोई मुझे कह रहा है दिल्ली है मैम, ओके फाइन, लेट मी गेट सम मोर आंसर्स। फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या होने वाला है, एब्सोल्युटली राइट। आंसर जो है हमारा यहां पर न्यू दिल्ली। ये इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ, और जो हमारा इंडियन डेलीगेशन था उसको राजनाथ सिंह ने और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ओके, जयशंकर, उन्होंने उसको लीड किया। आंसर हियर इज गोइंग टू बी बी। ओके, आप लोग साथ साथ अपना स्कोर देखते रहिए, क्योंकि आज मैं काफी क्वेश्चंस कराऊंगी और लास्ट में आपको पता होना चाहिए वेयर डू यू एग्जैक्टली स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड एट द 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि फिकी, इन गोवा। दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। कम ऑन एवरीबडी, क्विकली गिव मी द आंसर। यहां पर आंसर हमारा क्या होने वाला है? यस, जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट मी टेक सम नेम्स। दिस इज अमरेश वर्मा, वेरी गुड, अमरेश वर्मा का बिल्कुल सही है। स्टॉमी पेट्रल, इनका भी बिल्कुल सही है। ओके, चलो यहां पर देखो, ये आपके सामने जो है फिफ्थ क्वेश्चन, बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड एट द 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा। ये जो अवार्ड है ये किसको दिया गया है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर फाइव, यहां पर हमारा आंसर क्या होने वाला है फिफ्थ क्वेश्चन के लिए, यहां पर फटाफट बताइए। आंसर जो है आपका वो है उषा जाधव। ओके, उषा जाधव, आंसर हमारा जो है यहां पर ए होगा। बेस्ट एक्टर जो मेल अवार्ड है, ओके, वो किसको मिला है, वो मिला है सीयू जॉर्ज को। ठीक है, सीयू जॉर्ज, ओके। बेस्ट एक्टर फीमेल का जो अवार्ड है वो मिला है उषा जाधव को, राइट। उषा यादव को ये अवार्ड मिला है और वो एक मराठी क्राइम फिल्म है जिसमें उन्होंने अवार्ड ये काम किया। आंसर यहां पर हमारा क्या है, आंसर हमारा जो है यहां पर ए है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान टू सेट अप अ स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। ये इतना रोना रोया जाता है कि हमारा यूथ तो है, डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि स्किल्ड नहीं है। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है ये कौन बनाएगा, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द आंसर हियर। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारा राइट आंसर है, तो राइट आंसर जो है हमारा डी होगा। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाएगी जिसमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज होंगी ताकि इंडस्ट्रीज की जो नीड्स हैं उनको मीट किया जा सके। सिक्स क्वेश्चन, आंसर डी। नेक्स्ट, आप मुझे फटाफट बताइए, सेवेंथ फीमेल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया कौन है। जब भी कोई अपॉइंटमेंट होता है उसमें कोई फीमेल है, काफी बार ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि इस फील्ड की ये फर्स्ट फीमेल है, ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ये सेवेंथ क्वेश्चन है आपके सामने। फटाफट मुझे बताइए सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या होने वाला है। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू। हु बिकेम द सेवेंथ फीमेल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ओके, वोकैबुलरी इन 5 मिनट्स, व्हाट्स योर रियल नेम। यस, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। आंध्र प्रदेश इज एब्सोल्युटली राइट। यहां पर बताइए,
सेवेंथ फीमेल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया, सोमा रॉय बर्मन. ओके, सियाली इज द फर्स्ट वन टू गिव द आंसर. सोमा रॉय बर्मन जो है आपका राइट आंसर है. आंसर यहां पर हमारा क्या है, बी राइट आंसर है. सोमा रॉय बर्मन जो है ये न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं. और मैं आपको बता दूं कि ये 24th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है और सेवेंथ वुमन है जो कि इस पोजिशन पर आई है. और 1986 बैच की जो इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस जो है उससे ये है. ओके, अब आप मुझे बताइए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो होता है ये एग्जैक्टली प्रिंसिपल एडवाइजर होता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंटिंग मैटर्स पर. ठीक है, ये आप याद रखना. अब आप मुझे ये भी बताइए कि भारत में जो कंट्रोलर COMPTROLLER कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उनका नाम बताओ. कम ऑन क्विकली गिव मी द आंसर. और साथ में अगर आपको ये भी बताओ कि वो कौन से नंबर के हैं देन इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का नाम मुझे फटाफट बताइए. गौतम इज सेइंग ही इज ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट बंगाल. वेरी गुड. फटाफट यहां पर मुझे बताइए, यहां पर आंसर है हमारा राजीव महर्षि. राजीव महर्षि आपका आंसर है और ये 13th नंबर है. सेवेंथ क्वेश्चन हो गया, अगले पर चलो. एट्थ क्वेश्चन, 13th साउथ एशियन गेम्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री. कौन सी कंट्री में 13th साउथ एशियन गेम्स जो है वो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किए गए थे, ये क्वेश्चन है आपके सामने. और इनको कब ऑर्गेनाइज किया गया था मैं आपको डेट बता देती हूँ एग्जैक्टली. ये 1 दिसंबर से लेकर आपके जो है 10th दिसंबर 2019 के बीच में ऑर्गेनाइज हुए थे. कहां पर ऑर्गेनाइज हुए थे, नेपाल. What's the right answer? Answer here is going to be C, Nepal. Okay? और साथ में आपसे काफी बार ये आ जाता है कि इंडिया का फ्लैग बेरर कौन था इनमें. अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि जो मेडल्स टैली थी उसमें इंडिया नंबर 1 पोजिशन पर था विद मैक्सिमम मेडल्स. और जो भारत के एक गोला फेंक वाले हैं, शॉर्ट पुट करते हैं, एथलीट हैं हमारे जिनका नाम है तेजिंदर पाल सिंह तूर. ओके, तेजिंदर पाल सिंह तूर जो थे, ओके, इनके बारे में बता रही हूं. तेजिंदर पाल सिंह तूर ये भारत की तरफ से फ्लैग बेरर थे. ठीक है, याद रखना. ये हमारा 8th क्वेश्चन था. अगले क्वेश्चन पर चलो. क्या मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूं, विल इट बी ओके इफ आई इंक्रीज द स्पीड अ बिट. अमरेश वर्मा कह रहे श्रीलंका. नो माई डियर अमरेश, नो. आपकी कंट्री में स्पोर्टिंग इवेंट्स कहां पर हुए, आपके आस पड़ोस वाली कंट्री में कहां पर हुए, अगर उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया तो एग्जैक्टली इंडिया जो है, ओके, उसकी क्या पोजीशन वगैरह रही, ये सारी चीजें जो है आपको कवर करनी है. अगला क्वेश्चन देखो. द प्राइम मिनिस्टर अब्देल, ओके, द प्राइम मिनिस्टर अब्देल महादी ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली रिजाइंड अमिड एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट. यस, बिल्कुल सही, ये शॉर्टपुट के हैं. सियाली, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ओके, प्राइम मिनिस्टर अब्देल अब्दुल महादी, इनके बारे में बताइए मुझे. 9th क्वेश्चन है आपके सामने, 9th क्वेश्चन है आपके सामने. जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. इराक इज योर राइट आंसर. ठीक है, इराक में काफी सारे प्रोटेस्ट हुए कि गवर्नमेंट जो है वो करप्ट है और वो काफी सारा काम नहीं कर रही है. तो वहां पर एक तरह की इमरजेंसी टाइप सिचुएशन हुई जिसमें कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे अदेल अब्दुल महादी, उन्होंने फिर वहां पर जब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए वहां पर उन्होंने रिजाइन किया. और जो प्रोटेस्टर्स है वो क्या चाहते हैं, वो सारे का सारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका एक ओवरहॉल चाहते हैं, उसमें चेंज चाहते हैं. हु बिकेम द फर्स्ट अरब नेशन टू टेक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी. दूसरे शब्दों में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो G20 समिट है वो कहां पर ऑर्गेनाइज होगा. और ये जो है ये अरब नेशन का, जो अरब नेशंस हैं, पहला कंट्री होगा जहां पर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है. क्विकली गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हियर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. यस, अमरेश वर्मा कह रहे हैं हम सबसे पहले बोले. अरे पहले क्या बोले वो बताओ ना. 10th क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए मुझे. 10th क्वेश्चन के लिए आंसर, 10th क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है सऊदी अरेबिया है. सऊदी अरेबिया है वो G20 समिट जो है उसको होस्ट करेगा. ये कब से कब ऑर्गेनाइज होगा, ये 2020 में ऑर्गेनाइज होगा और 21 और 22 नवंबर जो है उसको ऑर्गेनाइज होगा. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ 2019 वाला कहां पर हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है. जो G20 2019 हुआ था हमारा वो हुआ था ओसाका में. और ओसाका कहां पर है, ओसाका जो है जापान में है. जो एडिशनल चीजें बता रही हूं इनको भी याद रखोगे. ये 10th क्वेश्चन था सऊदी अरेबिया.
27th एकलव्य अवार्ड जो है ये किसको मिला, 2019 का है ये, ठीक है। हु रिसीव्ड द अवार्ड फॉर 27th एकलव्य अवार्ड 2019, ये क्वेश्चन है आपके सामने। फटाफट बताइए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है। आई एम वेटिंग फॉर सम आंसर्स। आप में से कुछ लोगों को करना लगेगा कि मैम सारे आंसर जो है फटाफट दिए जा रही है, हमें मौका नहीं मिल रहा। इलेवेंथ का मुझे आंसर बताओ, यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है इलेवेंथ के लिए। आंसर यस 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 यस, ओके फाइन। इलेवेंथ के लिए हमारा आंसर है यहाँ पर झीली दलबेरा। झीली दलबेरा कौन है, ये वेट लिफ्टर है, ओके, भार उठाने वाले जो होते हैं ना, शी इज अ वेट लिफ्टर, ये इनके बारे में आप याद रखेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए दैट्स माय आंसर। गौतम बर्मन योर आंसर इज रॉन्ग माय फ्रेंड, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ओके। यहाँ पर आंसर हमारा क्या है, इलेवेंथ के लिए हमारा आंसर है झीली दलबेरा। इनको 27th एकलव्य अवार्ड 2019। अब इनको क्या क्या मिलने वाला है, इनको 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं इनको, और काफी सारी चीजें जो हैं वो देते हैं। ये जो अवार्ड है ये 1993 में इंस्टीट्यूट किया गया था, और जो यंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जब वो नेशनली इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये अवार्ड दिया जाता है। एंड वेयर इज शी फ्रॉम, ये अगर क्वेश्चन आ जाए शी इज फ्रॉम ओडिशा, ये भी आप याद रखेंगे। 11 क्वेश्चन नेक्स्ट, Who has been awarded an honorary fellowship by the Royal Astronomical Society of United Kingdom? ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 12th क्वेश्चन, और 12th क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, 12th क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा है जी सतीश रेड्डी। डू यू नो हु इज ही, जल्दी से मुझे बता दीजिए। जो हमारा DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। 12th के लिए आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 देखो, 13th क्वेश्चन है आपके सामने और फटाफट मुझे आंसर देने की कोशिश करें। 13th क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया है 3rd जनरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का नाम बताओ जिसको कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। दिस इज द 13th क्वेश्चन। यहां पर आंसर क्या होने वाला है हमारा 13th क्वेश्चन के लिए, Cartosat 3, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। जितने भी रिसेंट लॉन्चेस हुए, क्या वो सक्सेसफुल हुए, क्या वो सक्सेसफुल नहीं हुए, अगर उसमें किसी दूसरी फॉरेन कंट्री की हमने हेल्प ली है, तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपसे काफी पूछ लिए जाते हैं। अगला देखो, इंडियन आर्चर्स हैं जिनका नाम है अतानु दास और दीपिका कुमारी, तो आपने जरूर सुना होगा, शी इज फ्रॉम झारखंड, ओके। इन दोनों ने कौन सा मेडल जीता एट द एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, ये भी याद रखना कि ये आर्चरी एशियन चैंपियनशिप जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी, तो आर्चरी वाली ये जो चैंपियनशिप थी, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, ये कोलकाता में ऑर्गेनाइज हुई, ठीक है, ओके। और हमारे ये जो इंडियन आर्चर्स हैं अतानु दास और दीपिका कुमारी, व्हाट डिड दे विन, दिस इज योर क्वेश्चन, इन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, आंसर यहां पर सी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो जो हमारा रिकर्व मिक्स्ड पेयर होता है, मिक्स्ड पेयर मींस देयर विल बी वन मेल वन फीमेल, तो जो रिकर्व मिक्स्ड पेयर होता है इसमें इन दोनों ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया, वहां पर जो चाइनीज पेयर था उसको इन्होंने हराया। 14th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, और फटाफट मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करें। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन हैज वन द डेविस कप टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। यस, स्याली का कार्टोसेट बिल्कुल सही है, रवि पांडे ने मुझे ए लिख कर दिया है, समीर खान अली खान ने ए दिया है। 14 के लिए मुझे बहुत लोग ए ए ए कह रहे हैं, दे आर रॉन्ग। 15 देखिए यहां पर, 15 का आंसर हमारा क्या होने वाला है, ओके, 15th जो है, स्पेन हैज वन द डेविस कप टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री, दिस इज द 15th क्वेश्चन। राफेल नडाल जो है उन्होंने 6th डेविस कप जीता, एक तो आप इनके बारे में ये रखें, याद रखेंगे। अब राफेल नडाल, ओके, इन्होंने जीता, राफेल नडाल हैज वन द 6th डेविस कप टाइटल, कौन सी कंट्री के लिए, यहां पर आपके स्पेन हैज वन द डेविस कप टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री, हारने वाली कंट्री के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो 15th के लिए हमारा आंसर यहां पर क्या, किसको हराया, कैनेडा को हराया, आंसर यहां पर सी है। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि सना मरीन हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 है ये, फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। सना मरीन जो है
ये कौन सी कंट्री की न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये आपको बताना है. 16th क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, क्विकली आई वांट द आंसर फ्रॉम यू. ओके, फिनलैंड है, यूक्रेन है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है. ग्लोबल लेवल पर भी वुमेन आर कमिंग इन फ्रंट. 16th सियाली, इट वुड बी नाइस इफ यू कुड आंसर द क्वेश्चन. यहां पर है समर अली खान. समर, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज क्वेश्चन नंबर भी लिखें, ऐसे लिख. ओके, फिनलैंड इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट. फिनलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है ये, 16th, ये हमारा आंसर है. ओके, ये हमारा आंसर है. आंसर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ये है. ओके, अब यहां पर देखो 16th के लिए आंसर ये आ गया हमारा. फिनलैंड की जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर थी पहले, ये साना मरीन, अब वो क्या बन गई है वहां पर, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है उन्होंने अपने कंट्री के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर को चुना है. ओके, और ये है आपके वहां की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर. साना मरीन बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, फिनलैंड इज योर राइट आंसर. थीम बताइए मुझे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 2019 की थीम क्या थी. डेज जो होते हैं हमारे, उससे रिलेटेड आपके दो क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो ये आ जाता है कि बताओ इस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है. ओके, विच डे सेलिब्रेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट. ओके, अदरवाइज दिस पर्टिकुलर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एंड थीम. दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है रिलेटेड टू क्वेश्चंस. ओके, जो कि आपके डे से रिलेटेड है. 17th के लिए मुझे आंसर बताइए. 17th क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर है यहां पर यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है. जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है उसको हम हर साल कब मनाते हैं, उसको हम हर साल मनाते हैं 10 दिसंबर को. ओके, 10 दिसंबर को इसको हम मनाते हैं. क्यों मनाया जाता है इस दिन, क्योंकि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का चार्टर है उसको इस दिन जो है अडॉप्ट किया गया था 1948 में. ओके, नेशनल जो नेशनल जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, जो हेडक्वार्टर्ड है पेरिस में, उन्होंने रेटिफाई किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को. और थीम क्या है, थीम मैंने आपको बता दिया, यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ये हमारी थीम है. क्वेश्चन 17. अब अगला देखो फिर इंडेक्स से रिलेटेड, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019. ये जितने भी इंडेक्सेस आते हैं उनमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. इंडिया का रैंक क्या था. ओके, इंडिया जो है यहां पर देखो 129th रैंक पर था, 130th, 128th, 131st, ये इतने सारे ऑप्शन है आपके सामने. तो इंडिया जो है वो 129th रैंक पर था. क्या इंडिया ने सुधार किया है? यस, इंडिया ने वन स्पॉट का सुधार किया है. वन स्पॉट का इंडिया ने सुधार किया है. ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है इसको कौन जारी करता है? इसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनकी रिपोर्ट आती है ये. ओके, और लास्ट ईयर जो है इंडिया का रैंक क्या था, वन स्पॉट जंप किया है. तो लास्ट मतलब इन 2018 व्हाट वाज इंडियाज रैंक, इंडियाज रैंक वाज 130th. ओके, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें जनरली हमेशा नॉर्वे ही है जो नंबर वन पोजीशन पर रहता है. नॉर्वे वाज नंबर वन, नॉर्वे के बाद फिर स्विट्जरलैंड जो है वो नंबर टू पोजिशन पर था, और फाइनली उसके बाद आपकी एक और कंट्री है वहां पर आयरलैंड, आयरलैंड जो है वो नंबर थ्री पोजीशन पर था. और ये जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जनरली लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम, ये तीन फैक्टर्स होते हैं जिनको देखकर फाइनली ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये तैयार किया जाता है. आगे देखो, हु हैज वन द प्रेस्टीजियस 33rd मूर्ति देवी अवार्ड. 19th क्वेश्चन आपके सामने, आप मुझे बताइए कि जो मूर्ति देवी अवार्ड है ये किसको मिला. क्वेश्चन नंबर 19 है. मैम प्लीज एंशियंट हिस्ट्री का सारा लेक्चर एक जगह कंपाइल कर दीजिए, अमरेश वर्मा पूछ रहे हैं. अमरेश वर्मा, व्हाई डोंट यू डू करंट अफेयर्स राइट नाउ, अभी तो करंट अफेयर्स करो. मैम आपके करंट अफेयर की वीडियो फॉलो करता हूँ, रवि पांडे कह रहे हैं. थैंक यू सो मच रवि. ओके, बाकी लोग भी जो नहीं फॉलो करते आप फॉलो करो और अपने आप को जज करो जब मैं इस तरह की क्लासेस लेती हूं. बताइए मुझे यहां पर फटाफट, हु हैज वन द प्रेस्टीजियस 33rd मूर्ति देवी अवार्ड. ये क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से मुझे बता दीजिए. क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका आंसर क्या होने वाला है. 19 है, बताओ मुझे, प्रेस्टीजियस अवार्ड जो है ये. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है. मूर्ति देवी सिलेक्शन अवार्ड ने किसको दिया ये 33rd अवार्ड. ओके, विश्वनाथन प्रसाद तिवारी, अतिता मनीषा कुलश्रेष्ठ को, या नसीरा शर्मा को. क्वेश्चन नंबर 19, आंसर बताइए यहां पर जल्दी से. 19
जल्दी से डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद को। ओके, तो आंसर यहाँ पर हमारा जो है इसके लिए ए हमारा राइट आंसर है। ओके, ये जो बुक है ये भी राइटिंग्स के लिए दिया जाता है, और इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा अस्ति और भवति, तो आंसर यहाँ पर ए। Which country has been banned by World Anti-Doping Agency for Tokyo Olympics and the Football World Cup? बहुत important question है ये कि वाडा जो है उसने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने वाले हैं उसके लिए ये कंट्री पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ये कंट्री फुटबॉल में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकती जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। अब आप फटाफट बताइए यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए व्हाट इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए रशिया, बिल्कुल सही, रशिया के ऊपर जो है आपका बैन लगा है, रशिया के ऊपर बैन लगा है। ओके, और ये रशिया के ऊपर जो है 4 साल का बैन लगा है, किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग कंपटीशन से इन लोगों को ये जो डोपिंग वाला बैन है उसको कवर करता है। तो जो 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा उसमें भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप है ये कहां पर होने वाला है, ये कतर में होने वाला है, जस्ट रिमेंबर दैट एज वेल। ओके, आंसर यहां पर ए है। Who has been crowned as Miss Universe 2019? This is the next question. फटाफट बताइए Miss Universe 2019 कौन बनी है? Okay, जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बताओ यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, मुझे मिस यूनिवर्स 2019 की विनर का नाम बताइए, वो कौन सी कंट्री से है ये भी आप मुझे फटाफट बताइए। हियर इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, हु हैज बीन क्राउन्ड द मिस यूनिवर्स 2019? ओके, जोजीबीनी टुंजी, यस ए इज योर राइट आंसर। रवि पांडे के लिए ताली बजा देती हूँ, रवि पांडे आप फटाफट, सियाली के लिए जोर से तालियां बजाती हूँ क्योंकि उन्होंने लिखा है। रवि पांडे क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो, आंसर यहाँ पर हमारा ए है। यस विवेक सिन्हा, बिल्कुल सही, आंसर हमारा यहाँ पर ए है। 21 के लिए आपका आंसर जो है ए है, ठीक है, बिल्कुल साउथ अफ्रीका की है। यस एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जिसके 3 कैपिटल्स हैं। ओके, अफ्रीका में लोकेटेड है, बिल्कुल आप दक्षिण की ओर देखना अफ्रीका के मैप में आपको वहां साउथ अफ्रीका नजर आएगा। साउथ अफ्रीका की जोबिनी टुंजी ये बनी है मिस यूनिवर्स। ओके, 2019 की मिस यूनिवर्स ये बनी है, इन्होंने 90 कंटेस्टेंट्स को वहां पर हराया है, 26 साल की है ये और इनको डिक्लेयर किया गया विनर। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि ये जो मिस यूनिवर्स पेजेंट हुआ था वेयर वॉज इट हेल्ड, यू हैव टू टेल वेयर वॉज इट हेल्ड, इफ दे आस्क यू दैट देन इट वॉज हेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया की तरफ से गई थी वर्तिका सिंह जो टॉप 20 तक तो पहुंची पर फिर उसके बाद जो है वो बाहर हो गई। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2019 जोजीबीनी तुंजी जो कि साउथ अफ्रीका की है, ठीक है, सेकंड प्लेस पर थी मिस पोर्टो रिको। ओके, सेकंड प्लेस पर वो थी और जो थर्ड प्लेस पर थी यानी कि सेकंड रनर अप थी वो मेक्सिको की, मेक्सिको जो कंट्री हमारा मेक्सिकन ब्यूटी थी। ठीक है, आगे What is the cut-off date for citizenship of India according to the Citizenship Amendment Bill 2019? इसका आंसर आपको मुझे बताना है, जल्दी से बताइए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, 22 फटाफट हमें बताइए यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। What is the cut-off date for citizenship? Okay, ये जो हमारा अभी Citizenship Amendment Bill 2019 है इसकी cut-off date है हमारी December 31st 2014, यानी कि जितने लोग भी उस तारीख से पहले आए हुए हैं। आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, आंसर हमारा जो है यहाँ पर ए होगा, ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 जो है ये इंडियन नेशनैलिटी देगा नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज को जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह से आए हैं, ये लोकसभा में पास हुआ और इसमें जो कट ऑफ डेट थी सिटीजनशिप के लिए वो 31 दिसंबर 2014। ओके, दैट्स द डेट। अब यहां पर देखो विच सिटी, कौन सा वो शहर है विच हैज बीन सेलेक्टेड एज द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन, और ये कहां पर से हुआ, 26th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स में, 23rd क्वेश्चन। ओके, यहां पर आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है ये,
क्विकली एवरीबडी, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23? यहाँ पर ओ माई गुडनेस, काफी सारे लोग जो है, मुझे बहुत सिंपल, अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पढ़ रहे हो उसमें तो डेट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेट भी मुझे गलत बता रहे हैं, फिर आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से अच्छी तैयारी करो. विच सिटी हैज बीन सेलेक्टेड एज द वर्ल्ड लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन एट द 26th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड? आबू धाबी, एब्सोल्यूटली राइट, आबू धाबी हमारा राइट आंसर है. ए यहां पर हमारा राइट आंसर होने वाला है आबू धाबी. आबू धाबी को क्यों चुना गया? क्योंकि आबू धाबी में काफी सारे स्पोर्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हुए हाल ही में. ओके, बहुत सारे, और ये 7th टाइम है, 7वीं बार ऐसा हुआ है, दैट टू इन अ रो कंटिन्यूअसली, 7th टाइम इन अ रो ऐसा हुआ है कि आबू धाबी को सेलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए. ओके, प्रीमियम डेस्टिनेशन है स्पोर्ट्स टूरिज्म 2019 के लिए ये आबू धाबी. ओके, वहां पर जो है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2017 और 18 हुआ, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 हुए. क्वेश्चन नंबर 23, मानव ठक्कर जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? फटाफट आप मुझे ये बताइए. क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, मानव ठक्कर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये फटाफट बताओ. क्वेश्चन नंबर 24, मानव ठक्कर. ओके, जल्दी से आप लोग जरा वीडियो को भी शेयर करें और मुझे बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा. मानव ठक्कर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, क्वेश्चन नंबर 24. रवि पांडे कह रहे हैं मुझे 23 का ए है. यस रवि, आपका आंसर थोड़ा लेट आ रहा है पर आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज आंसर आ रहा है. मानव ठक्कर इज रिलेटेड टू विद स्पोर्ट्स, जल्दी से मुझे बताइए. क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रिकेट, चेस, टेबल टेनिस, रेसलिंग? आंसर जो है हमारा यहाँ पर है टेबल टेनिस. टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं ये, 24वां क्वेश्चन है. मानव ठक्कर क्यों न्यूज में है ये आपको बता देती हूँ. इन्होंने जो अंडर 21 मेंस सिंगल टाइटल जो है, ओके, उसमें ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज जो है उसको इन्होंने जीता. और ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था? ये कनाडा में ऑर्गेनाइज हुआ था. मानव ठक्कर रिलेटेड टू टेबल टेनिस. आगे देखो, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा? हमने वाडा के बारे में तो सुन लिया कि रशिया पर उन्होंने बैन लगाया. ये क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा? ये क्वेश्चन है. सलमान खान, अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी, अजय देवगन? वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बताइए. एक सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो कौन है वो सेलिब्रिटी? द सेलिब्रिटी इज सुनील शेट्टी. आंसर यहां पर क्या होगा? फिटनेस के लिए जाने जाते हैं सुनील शेट्टी. ओके, और ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हमारी क्या है? ये जो हमारी नाडा है, ये जो हमारे एथलीट्स होते हैं उनके टेस्ट करती है ये देखने के लिए कि इन्होंने कोई बैंड सब्सटेंस तो नहीं लिया है. और सुनील शेट्टी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नाडा के. ओके, और ये हमारी कंट्री की जो है एंटी डोपिंग बॉडी है. अब आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इंडिया की रैंक आपको बतानी है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में रिलीज एट द COP25 इन स्पेन. ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. क्विकली आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू. क्वेश्चन नंबर 26 में आपको इंडिया की रैंक बतानी है. यहाँ 9, 7, 6, 4 सारा कुछ दिया हुआ है. मुश्किल क्वेश्चन है, यहाँ पर इंडिया की रैंक क्या होने वाली है जल्दी से बताइए. व्हाट इज इंडिया रैंक? क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 10 में आया है, लेकिन टॉप 10 के तो ये सारे के सारे रैंक्स दिए गए हैं. ठीक है जी, तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज हुआ है स्पेन में, स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड वहां पर हुआ है, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 9th है. ओके, लेट मी मार्क द आंसर. आंसर इज गोइंग टू बी A9. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the founder of Universal Product Code or Barcode who died recently? काफी बार कुछ जाने माने व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है. ओके, उनसे फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि जिस व्यक्ति ने ये चीज दी है आप बताइए कि वो कौन था जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो ये पर्सन इन न्यूज में आएगा. क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपके सामने है और मुझे आप आंसर देने की कोशिश करें. ओके, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर यहाँ पर क्या होगा. ये जो व्यक्ति है इन्होंने यूनिवर्सल बार कोड दिया था. ओके, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई, 94 के थे ये और इनका नाम था जॉर्ज जे लॉरर. दैट्स द आंसर. 27 विल बी ए. आगे, वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट टुक इट्स इनॉग्रल टेस्ट फ्लाइट इन विच कंट्री?
ये दुनिया का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट, ना सिर्फ बिजली से चला, कमर्शियल भी था, यानी कि यहाँ पर लोग जो है टिकट खरीदी और बैठिए, उस टाइप का होगा ये, प्राइवेट नहीं। कमर्शियल एयरक्राफ्ट टुक इट्स इनॉगरल टेस्ट फ्लाइट इन विच कंट्री, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, जल्दी से बताइए। ओके, इन्होंने टेस्ट फ्लाइट ली वैनकूवर में, और वैनकूवर कहां पर है? वैनकूवर इज इन कैनेडा। सो व्हाट्स माय राइट आंसर? माय राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलो। विच कंट्री हैज बीन ऑन टॉप ऑफ द मेडल्स टैली एट द 13th साउथ एशियन गेम्स? मैंने आपको अभी बताया कुछ ही देर पहले इसी वीडियो में कि जो 13th एशियन गेम्स थे वो नेपाल में ऑर्गेनाइज हुए, और साथ ही साथ भारत की तरफ से जो फ्लैग बेरर थे उनका नाम तेजिंदर पाल सिंह तूर, और साथ ही साथ अब आप यहां पर देखो कि इसमें इंडिया की पोजिशन क्या रही, इंडिया जो है वो फर्स्ट पोजिशन पर था, इट वॉज ऑन द टॉप इन द मेडल्स टैली। सो आंसर यहां पर क्या होगा हमारा? इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2019? ऑस्ट्रेलिया, अवनेश वर्मा मुझे कह रहे 28 का ऑस्ट्रेलिया है, 28 का ऑस्ट्रेलिया नहीं है, 28 का कनाडा है। हु हैज बीन नेम्ड द टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2019? ये मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप है, नरेंद्र मोदी है, ग्रेटा है, या फिर एबी अहमद? क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट्स गोइंग टू बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 का मुझे आंसर बताया जाए, ग्रेटा। यस, और ग्रेटा कौन है एग्जैक्टली? ये 16 साल की ही लड़की है, स्वीडन से है, स्कूल गर्ल है, जिन्होंने एक ग्लोबल मूवमेंट जो है चलाया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, और इनको टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 जो है वो बनाया गया है। तो आंसर हमारा यहां पर क्या है? आंसर हमारा सी है, ये हमारा यहां पर आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर चलती हूं आपको लेकर। Which region of Papua New Guinea has recently voted to become the world's newest country? वहां पर रेफरेंडम हुआ था, और रेफरेंडम के बाद जो है ये निकल कर आया कि क्या आप एक अलग कंट्री बनना चाहेंगे, जनमत होता है रेफरेंडम, तो यस हम एक अलग कंट्री बनना चाहेंगे, ये किसने बोला? तो अभी एक लेटेस्ट कंट्री बनेगी, न्यूएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 31 का मुझे आंसर बताया जाए, क्वेश्चन नंबर 31 का, कंट्री का नाम बहुत खूबसूरत है, क्विकली कंट्री का नाम जो है बहुत ही खूबसूरत है। यहां पर आंसर क्या होगा 31 के लिए? बोगेनविलिया, ये हमारा आंसर है 31 के लिए, हमारा आंसर जो है ए है। ठीक है सबीर पपाई, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट द क्वेश्चन नंबर, 31 के लिए आंसर हमारा बोगेनविलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड डेथ पेनल्टी फॉर हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन? वो जो इंडिया में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक वेटरिनेरियन जो है उनके साथ बहुत ही बुरा काम हुआ, तो उसके बाद फिर फाइनली स्टेट ने ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम उठाया। आप बताइए वो कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसने ये बोला डेथ पेनल्टी दी जाएगी फॉर हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ये आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 32, आई वुड लाइक यू टू गिव मी द आंसर, 32 के लिए आंसर जो है हमारा दैट्स गोइंग टू बी आंध्र प्रदेश। 32 के लिए आंसर हमारा क्या है? 32 के लिए आंसर जो है हमारा आंध्र प्रदेश है। ओके, आंध्र प्रदेश कैबिनेट जो है वहां पर चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी हैं, उन्होंने ये आंध्र प्रदेश दिशा एक्ट 2019 जो है इसके लिए उन्होंने बोला कि स्पेशल कोर्ट वगैरह बनाए जाएंगे ताकि विमेन और बच्चों के खिलाफ जो ऑफेंसेस होते हैं, जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, उसके लिए डेथ पेनल्टी। ओके, Which Indian has been referred to as Greta of Global South at the COP25 Climate Conference in Spain? Question number 33. जल्दी से बताओ। I hope the speed is fine for you. उम्मीद करती हूँ कि स्पीड आपके लिए ठीक है। आप मुझे फटाफट बताइए उस इंडियन का नाम। Which Indian has been referred to as Greta of Global South? एक ग्रेटा के बारे में हमने पढ़ लिया जो कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बनी। इनका आप मुझे बताइए, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आंसर जो है हमारा, ये 8-year-old गर्ल है, मणिपुर से है, जिनको हम कहते हैं ग्रेटा ऑफ ग्लोबल साउथ। ओके, तो 33 के लिए हमारा आंसर यहां पर क्या है? आंसर है लिसप्रिया कनगुजम, ये आंसर है 33 के लिए, आंसर हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been elected as the 10th president of Asian Development Bank? जो ADB है, ये ADB कहां पर है? ADB जो है ये मनीला फिलीपींस में है, ये फिलीपींस में है। ओके, और आप मुझे बताइए कि इसके 10th प्रेसिडेंट जो हैं कौन बने हैं, ये आपको बताना है।
आंसर जो है हमारा यहाँ पर बी है. बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर बी है. ये 10th प्रेसिडेंट बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के. अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फटाफट आप बताइए. ये भी बुक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है. बुक्स एंड ऑथर्स आपको जरूर पता हूं, खासकर वो जिनके ऑथर्स को अवार्ड्स मिल गए वो तो बहुत अच्छे से आपको बताऊं. इंडियन ऑथर्स जिनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल गए वो और भी अच्छे से पता हूं. हु वन द 12th शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज फॉर इस 2018 बुक अर्ली इंडियंस. ये क्वेश्चन है. यहाँ पर आप एक अमिताभ घोष भी देख रहे हैं, इनको एक अवार्ड मिला जो आज के वीडियो में ही मैंने आपको बताया. यहाँ 35th क्वेश्चन जो है इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा. आंसर है इसका टोनी जोसेफ. आंसर यहाँ पर डी है. इंग्लिश ऑथर है टोनी जोसेफ. इन्होंने 12th शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज जो है ये जीता है. इनकी बुक है अर्ली इंडियंस. ओके, अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम. ओके, ये इनकी बुक है. इसमें इनको 2,00,000 रुपए का कैश प्राइज ट्रॉफी वगैरह मिलेगा. हु हैज वन द आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2019. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई आंसरिंग. हु हैज वन द आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2019. ये क्वेश्चन है आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 36. आंसर है यहां पर लुइस हैमिल्टन. लुइस हैमिल्टन इज द आंसर. Which state has become the fourth state where the ILP regime is applicable? आप मुझे उस स्टेट का नाम बताइए. Which state has become the fourth state where the ILP regime is applicable? ILP है आपका inner line permit. Okay, inner line permit, ये इसकी full form है. राइट, फटाफट बताइए मुझे इसका आंसर क्या होने वाला है. ओके, रामनाथ कोविंद ने ये ऑर्डर जो है, हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसको साइन किया और ये इनर लाइन परमिट जो है इसको एक्सटेंड किया टू मणिपुर. ये आप याद रखना, आंसर हमारा जो है मणिपुर होगा. ओके, ये जो आईएलपी है ये एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है ताकि अलाउ करता है इनवर्ड सिटीजन टू ट्रैवल इन अ प्रोटेक्टेड एरिया for a limited period of time. Answer C. Who has become the first Indian brand ambassador of La Liga? बहुत ही अच्छा question है, sports related question आपके सामने. Who has become the first Indian brand ambassador of La Liga? ये आपको बताना है. चलिए question number 38 है आपके सामने. आप मुझे बताइए कि जो La Liga है उसका brand ambassador जो है कौन बना है, ये आपको मुझे बताना है. क्वेश्चन नंबर 38 है. 38, व्हाट इज द गोइंग टू बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38 इज इन फ्रंट ऑफ यू. जल्दी से बताओ 38 का राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा. ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर जो है क्वेश्चन नंबर 38 बने हैं रोहित शर्मा. और ला लीगा किससे रिलेटेड है? ला लीगा जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है. ये आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है. सब लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए. 38 का ए, यस एब्सोल्युटली राइट, रोहित शर्मा इज द राइट आंसर. ओके, और रोहित शर्मा के बारे में क्योंकि मैंने कहा कि ला लीगा जो है ये एक टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल डिविजन है, स्पैनिश फुटबॉल लीग सिस्टम है ये, और इसके पहली बार ब्रांड एम्बेसडर जो कि एक नॉन फुटबॉलर है, क्योंकि रोहित शर्मा जो उनका फुटबॉल से लेना देना नहीं, उनका क्रिकेट से लेना देना है, ठीक है, वो पहली बार बने हैं. एक नॉन फुटबॉलर पहली बार इसका ब्रांड एम्बेसडर बना है. सो व्हाट्स गोइंग टू बी माय आंसर. माय आंसर हियर इज गोइंग टू बी ए. ए इज द राइट आंसर. हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टू फीचर इन 150 रणजी मैचेस. फटाफट मुझे बताइए उस खिलाड़ी का नाम, उस भारतीय का नाम जिसने 150 रणजी मैचेस जो हैं उनमें फीचर किया. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 39. 39 के लिए आंसर जो है हमारा वो है वसीम जफर. आंसर हियर इज गोइंग टू बी ए. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और फटाफट मुझे इसका आंसर करेंगे आप लोग. हाँ, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें, वीडियो को शेयर भी करो. हु बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ गूगल्स पेरेंट कंपनी अल्फाबेट. नए सीईओ बने हैं जो अल्फाबेट के, उसका आपको मुझे नाम बताना है. हियर इज योर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे मैं नाम ले लेती हूँ एक बार. रविंद्र वर्मा जो है, सियाली जो है, ये लोग क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखिए. अगर आप एबीसीडी लिख रहे हैं, संजय दत्ता क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 40 के लिए मुझे आंसर बताओ. आई होप द स्पीड इज फाइन.
स्पीड फाइन है तो जरा थम्स अप भेजो, लेट मी सी इफ द स्पीड इज फाइन, अदरवाइज आई विल बिकम फास्टर और स्लोअर, वट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज द क्लास इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू. क्वेश्चन 40 के लिए आंसर हमारा क्या है, ये इंडियन ओरिजिन के सुंदर पिचाई. ओके, आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 के लिए हमारा सी है, 40 सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है, गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, उन्होंने रिप्लेस किया है लैरी पेज को. ओके, और ये सीईओ बन गए हैं पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के. अल्फाबेट जो है इट केम इनटू एक्जिस्टेंस इन 2015. आगे अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज सिंह रोपून. ओके, नाम क्या है, पृथ्वीराज सिंह रोपून. ही हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं. दिस इज नॉट हियर इज योर क्वेश्चन, फटाफट बताओ. क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने, क्विकली गिव मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41. आई वॉन्ट द आंसर. पृथ्वीराज सिंह रूपोन, इनका नाम आपको सुना सुना सा लगता है या फिर ऐसा लगता है कि वो ये तो किसी इंडियन जैसा नाम लग रहा है, कहाँ के बने हैं ये, जल्दी से मुझे आंसर बताइए. जहां पर भी इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं इंटरनेशनली ग्लोबली, उनका भी आपको पता होना चाहिए. ओके, मोहिनी थम्स अप करो आप भी. अच्छा, सब लोग थम्स अप कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि स्लोअर करूं कि फास्टर करूं कि. ठीक है, ओके, स्पीड इज ओके मैम, ओके फाइन. क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट्स गोइंग टू बी द आंसर. 41 के लिए हमारा जो आंसर है यहां पर मोरेशियस. मोरेशियस इज गोइंग टू बी द आंसर. आंसर यहां पर हमारा जो है डी है, मोरेशियस इज द राइट आंसर. ठीक है, सब लोग इज इट रिकॉर्डेड कह रहे हैं भारत हिंदुस्तानी. भारत हिंदुस्तानी आपका नाम ले रही हूं, आपको हाय हेलो कर रही हूं, अब आप बताओ इज इट रिकॉर्डेड. इट्स लाइव माय डियर. क्वेश्चन नंबर 41. ओके, पृथ्वीराज सिंह रूपून जो है उनको इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ मोरेशियस. ये पहले वहां पर आर्ट्स एंड कल्चर मिनिस्टर थे मोरेशियस में. ओके, और इनको यहां पर अपॉइंट किया गया है, अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है. इंडियाज फर्स्ट मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम विल बी सेट अप एट विच एंशिएंट साइट इन गुजरात. इंडिया का पहला होगा ये फर्स्ट मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम होगा, और ये एक एंशिएंट साइट पे सेटअप किया जाएगा गुजरात में, लोथल. लोथल जो है उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी लेना देना है, तो आंसर यहाँ पर होगा हमारा लोथल. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर एक नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम होगा गुजरात में. ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलती हूँ. इंडिया हैज रिसेंटली गिफ्टेड कोस्ट गार्ड शिप कामयाब टू विच कंट्री. वाह, इंडिया देखो इस तरह के तोहफे भी दे देता है आसपास के देशों को. ओके, ये देखते हैं कौन से देश को दिया है. इंडिया ने रिसेंटली गिफ्ट किया है कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है कामयाब टू विच कंट्री. ये आप मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने. 43 के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है. 43 के लिए हमारा जो आंसर है वो है मालदीव्स. ए हमारा राइट आंसर होगा. 43 के लिए आंसर हमारा ए है, मालदीव्स इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द पीटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019. ओके, पीटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 आपको मुझे बताना है. ओके, पीटा क्या है, ये पीटा जो है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये उसकी फुल फॉर्म है, यानी कि जानवरों के साथ भी अच्छा आप व्यवहार करें. तो एक ये इंडिया में दिया जाता है, इंडिया का जो पीटा पर्सन ऑफ द ईयर है वो भी मुझे बताओ आप. खैर वो भी उस पर मैं आऊंगी, यहाँ पर आपको बताना है कि हु हैज बीन अवॉर्डेड द पीटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019. 44th के लिए आंसर हमारा क्या है यहाँ पर, ये है हमारा आंसर जोएक्विन फीनिक्स. ओके, ये इसका आंसर है. ये कौन है एग्जैक्टली, ये एक्टर है. कहाँ से है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है, ये भी आपको इनके लिए मैं बता दूं. इनको ये अवार्ड मिला है साल 2019 के लिए. ओके, अब ये काफी टाइम से एनिमल के जो राइट्स हैं उसको सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं. अच्छा, इंडिया का भी मुझे बताइए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 पीटा की ओर से कौन से भारतीय को मिला है, तो वो मिला है विराट कोहली को. ठीक है, विराट कोहली आंसर यहां पर हमारा जो है डी था. अगला क्वेश्चन, इंडिया इज एट विच प्लेस इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू क्लाइमेट चेंज एज पर द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020. ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45. ओके, एक ये लिस्ट आई है, सूची आई है मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू क्लाइमेट चेंज, कि जो जलवायु परिवर्तन होगा उसमें जो कंट्रीज है ये काफी ज्यादा वल्नरेबल है. ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है 2020 का, आप बताइए उसमें इंडिया की रैंक क्या है. 45th क्वेश्चन है, इंडिया कौन सी पोजीशन पर है इसमें. इंडिया जो है इसमें 5th पोजीशन पर है. तो आंसर यहां पर हमारा क्या हुआ, आंसर हमारा जो है यहां पर सी हुआ. ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किसने किया है, एक जर्मन
जर्मन वॉच के नाम से एक थिंक टैंक है, उन्होंने असेस किया है और टोटल 181 कंट्रीज जो है उनका असेसमेंट हुआ और उसमें इंडिया जो है वो फिफ्थ पोजीशन पर पाया गया एज द मोस्ट वल्नरेबल। ठीक है, अब यहाँ पर जापान जो है, जापान हमारा पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी तो नहीं कह सकते पर जापान यस एशियन साउथ एशिया में एक कंट्री है। अभी जो जापान है ये नंबर वन पोजीशन पर है, फर्स्ट है ये इस पूरी लिस्ट में मोस्ट वल्नरेबल कंट्री, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का मिलकर ना ये कंट्री बना हुआ है और वहां पर एक्सट्रीम टाइफून भी आया था अगर आपको याद हो JB, इस साल 2019 में। जापान नंबर वन पोजिशन पर है, भारत कौन सी पोजिशन पर है, भारत जो है इंडिया is on the fifth position. Next question, which day is observed as the armed forces flag day in India? ये question है आपके सामने, फटाफट बताइए कि armed forces flag day जो है वो कब मनाया जाता है। ये options है आपके सामने और आप मुझे इसका answer दीजिए। Question number 46 है आपके सामने। जापान टोक्यो येन, भारत हिंदुस्तान है, टोक्यो की स्पेलिंग टोकोयो क्यों की है, टोक्यो करो। क्वेश्चन नंबर 46 का मुझे आंसर बताया जाए कि हम आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जो है इंडिया में ये कब मनाते हैं। हियर इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर क्या है हमारा, 7th of December, ये हमारा राइट आंसर है। 7th December जो है हमारा राइट आंसर है 1949 से, 1949 से 7 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं हम एज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे थ्रू आउट द कंट्री। हमारे जो मार्टर्स हैं, जो शहीद हैं, उनकी शान में ये जो दिन है ये मनाया जाता है। ठीक है जी, आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन बेस्टाउड विद इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस 2019 पोस्थमसली। मरणोपरांत ये जो है इनको इकोनॉमिक टाइम्स की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला पब्लिक सर्विस में, इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सर्विस फॉर द ईयर 2019। आप फटाफट मुझे बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने, 47 है आपके सामने, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर आंसर हमारा क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 47 के लिए यहाँ पर आंसर जो है हमारा वो है अरुण जेटली। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। सुषमा स्वराज जी के नाम पर अंबाला से थी ना ये, तो अंबाला का जो बस स्टैंड है उसका नाम बदला जा रहा है सुषमा स्वराज जी के नाम पर। और सुषमा स्वराज जो है, प्लीज रिमेम्बर अबाउट हर, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ये भी आप याद रखना, सुषमा स्वराज जो है वो 3 बार दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही, ये आप याद रखेंगे। मनोहर परिकर जो है ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, यहाँ पर लिखते जाइए साथ साथ मेरे साथ और बताइए कौन है। क्वेश्चन नंबर 47, अगला क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन कन्फर्ड विद 2019 करमवीर चक्र अवार्ड। दिस इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कि 2019 का करमवीर चक्र अवार्ड जो है ये किसको मिला है, 2019 का करमवीर चक्र अवार्ड जो है ये किसको मिला है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने, आंसर यहां पर हमारा क्या होने वाला है, 48 के लिए आंसर जो है हमारा वो है राहुल अधिकारी। इनको 2019 का करमवीर चक्र अवार्ड जो है ये मिला है। तो अवार्ड इनको दिया गया है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एजुकेशन सेक्टर, आंसर ए है। Former president of which country has recently been sentenced to 5 years in prison for money laundering? ना सिर्फ जनता जो है वो प्रोटेस्ट करके कह रही है अपने लीडर्स को, नीचे उतरो, तुम ठीक से काम नहीं कर रहे, हमें पॉलिटिकल पूरा ओवरहॉल चाहिए, लेकिन एक फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे। ये कौन सी कंट्री के थे जिनको की 5 साल कैद की सजा सुनाई गई क्योंकि इन पर करप्शन चार्जेस पाए गए, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस जो इनके खिलाफ साबित हुए। 49 के लिए मुझे बताइए यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, 49 के लिए हमारा जो आंसर है यहाँ पर मालदीव्स होगा। व्हाट इज द आंसर, आंसर हियर इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 49, मालदीव्स जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, बाकी भी आप ऑप्शंस जो है साथ साथ देखते जाइए, मालदीव्स हमारा राइट आंसर है। एक कोर्ट है जो मालदीव में जिसने कि इनको गिल्टी पाया, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे और इनको फिर 5 ईयर्स की जो है सजा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो,
Indian Railways Institute of Financial Management has been set up in which city? ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 50. जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 50 के लिए. क्वेश्चन नंबर 50 के लिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 के लिए राइट आंसर, क्वेश्चन 50, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हैज बीन सेट अप इन विच सिटी, क्वेश्चन 50, आंसर यहाँ पर हमारा सी है, हैदराबाद में ये सेटअप है. ओके, ये जो इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में होगा और ये न्यू एंटिटी जो है ये इम्पार्ट करेगी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ताकि जो रेलवे के फाइनेंसेस वगैरह हैं उनको मैनेज किया जा सके. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 और ये हमारा साथ ही साथ आज का लास्ट क्वेश्चन भी है. ओके, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है. मैंने आपको टोटल जो है 50 क्वेश्चंस कराए. अगर आपका स्कोर 45 एंड अबव है देन यू आर ऑन ट्रैक. अगर 40 एंड 45 के बीच में है यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग. ओके, आपको मेहनत करने की, काम करने की जरूरत है. चलिए फटाफट मुझे बताइए, 50 के लिए सी कह रहे हैं मुझे रवि पांडे. ओके रवि पांडे, गुड. अच्छा एक बात और आपको मैं बता दूं कि कल फिर रात को 8 बजे मेरी आपसे मुलाकात होगी. 50 के बाद 51st टू जो भी जितना भी हमारे पास टाइम होगा हम आगे बढ़ेंगे. तो आपके पास जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उन सबको आप रिवाइज करें और यहां पर कल फिर रात को 8 बजे आप मुझसे मिलेंगे. ओके नाउ कम ऑन, सियाली टेल मी योर स्कोर, विवेक सिन्हा विल टेल मी हिज स्कोर, रवि पांडे विल टेल मी हिज स्कोर. सब लोग जो है अब मुझे आप यहां पर फटाफट जो है स्कोर बताइए, जल्दी से स्कोर बताइए. ये स्कोर बताना भी मेरे लिए, स्कोर जानना भी वेरी इंपॉर्टेंट है. अच्छा रवि पांडे ने मुझे थैंक यू मैम कह दिया. थैंक यू मैम कहने से पहले फटाफट स्कोर, स्कोर कम ऑन, टेल मी योर स्कोर, टेल मी योर स्कोर. घबराओ मत, स्कोर थोड़ा कम भी हो रहा है तो क्या हुआ, कम से कम तैयारी तो स्टार्ट की, सही दिशा में तो जाना स्टार्ट किया. क्विकली आई नीड द स्कोर फ्रॉम यू. विवेक सिन्हा थैंक यू कह रहे हैं, कल फिर रात को 8 बजे मैं आप लोगों से मिलूंगी, इससे आगे हम कल करेंगे. ओके यस क्विकली चलिए तो फिर मैं आपसे कल मिलती हूं. टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट.